एनिमल कोई फिल्म नहीं है बल्कि एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जो लोगों के घर में जाकर उनके दिमाग को दूषित करने लगी। वेल, एनिमल वो फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए झंडे गाड़ रही है, मतलब फर्स्ट फिल्म ए सर्टिफाइड जिसने 7 दिनों में इंडिया में 338 करोड़ रुपए कमा लिए, वर्ल्ड वाइड तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 600 करोड़ रुपीज एक हफ्ते के आसपास में निकाल गई है। उस फिल्म को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इनिशियली जयदेव उनदकट ने अल्फा मेल वाली थ्योरी को लेकर सवाल खड़े किए थे और कहा था कि क्या डिस्गस्टिंग कॉन्सेप्ट है आज के जमाने में इस तरह की मानसिकता को दर्शाना एक फिल्म के जरिए उन एक्टर्स को लेकर जिनका बहुत लार्जर देन लाइफ इम्पैक्ट है, सिनेमा हिंदुस्तान के लोगों के जहन में असर डालता है, उसको लेकर सवाल उठे थे। लेकिन वो एक क्रिकेटर ने सवाल उठाए थे। अब जो सवाल उठे हैं वो एक सांसद के द्वारा उठाए गए हैं और संसद में उठाए गए हैं और ये अपने आप में एक सीरियस कंसर्न हो गया। कांग्रेस से सांसद हैं रंजीत रंजन जी, जिन्होंने कहा कि यार मेरी बेटी इस फिल्म को देखने गई थी और आधी फिल्म देखने के बाद वो घबरा गई, डर गई और वहां से लौट आई और अब मेरे जहन में सवाल है कि ये एनिमल हुआ या कबीर सिंह हुआ या पुष्पा हुआ, ये जो अल्फा मेल फिल्म है जो हिंसा को बढ़ावा देती है, इन्हें हमारे देश का सेंसर बोर्ड क्यों बढ़ावा देता है? हमने ये फिल्म देखा, ये फिल्म वाहियात है और इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना एक गंदे कल्चर।